क्या करना है, अब आगे जाना है कि नहीं? क्यों वापस नहीं जाना है अब? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, अभी दोपहर के 1 बज रहा है। गुड आफ्टरनून हो रहा है। अब जा रहे हैं हम आरू को लेके वर्ल्ड सेंचुरी, ओखला वर्ल्ड सेंचुरी, जो कि आरू का बहुत दिनों से मन था। बहुत दिनों से मैं टाल रहा था इसको कि चलेंगे, तो हालत एकदम खराब है। आप लोग बताना कमेंट करके कि कटवा दूं या ऐसी ठीक लग रहा हूँ। आरू को ऐसे ही अच्छा लगता हूँ। हाँ। मैं दाढ़ी में। हाँ। ये मुझको क्लीन शेव नहीं रहने देता है। अगर रह गई, चोर पापा। तो चलो हम चलते हैं और बाकी सारा सेटअप कर लिया है। आरू बड़ा एक्साइटेड है पहुँचने के लिए। ये एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ, ये फ़ोन के लिए। तो फ़ोन चलाना पड़ गया, तो फ़ोन में ये लगा तब भी लूँगा, वॉइस क्लियर तब भी आएगी। तो चलो चलते हैं। और यहाँ से वर्ल्ड सेंचुरी, ये क्या है भाई? ये मच्छरदानी है शायद। ये बड़ा शोर कर रहा है यार। और ओखला वर्ल्ड सेंचुरी है इस साइड में, हमें यूटर्न लेना है आगे से। तो ये है ओखला बैराज, जिसमें भाई साहब यमुना जी का पानी एकदम लपालप चल रहा है अभी। तो इधर कम है और इधर ये डैम है ना, डैम, तो इसकी वजह से यहाँ पर सारा पानी रोक दिया है। और इस साइड में है वो कम है पानी, और जितना ज़रूरत है उतना जाने देंगे। इधर सारा पानी इधर रोक के रखा हुआ है। ये रहा शायद वर्ल्ड सेंचुरी का गेट। हाँ, नो पार्किंग। अरे यार, पार्किंग कहाँ है फिर? अरे यार, एक दिक्कत है बस कि यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है। मेट्रो के नीचे लगाएंगे तो वहाँ से कैसे आएंगे फिर यार? ओके, ये है यहाँ पे। तो बहुत दूर जाना पड़ेगा हमें, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से चल के। और शॉर्टकट रास्ता देखते हैं, अगर मिल जाए तो। शायद वो ब्रिज वाला रास्ता है ना, वो शॉर्टकट है यहाँ से। और हेलमेट रखा नहीं हमने, हेलमेट लेके आ गए हम, क्योंकि वो कह रहा था भाई ये सेट कुछ लगा हुआ है इसमें, ये लेके चले जाओ। इसमें कैमरा वगैरह फिट था, तो कैमरा तो निकाल लिया था मैंने, कैमरा तो छोड़ के नहीं जाऊँगा ऐसे। तो ये ब्रिज है मेट्रो वाला, इससे रास्ता मिल गया हमें, इससे जाते हैं। तो वहाँ के लिए भी हमें काफ़ी चलना पड़ेगा अभी। तो ये आरू को इसलिए लेके आया था बर्ड सेंचुरी, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके बारे में नॉलेज हो जाएगी आरू को, थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। पहले तो अंदर से ऐसे दिखता ही। तो ये बच्चों की भी टिकट लगती है, 30 रुपये, 30 रुपीज़ की एक टिकट है। हाँ, ये सारी बर्ड्स होंगी। बुक में भी नहीं है? नहीं, जीके की बुक में है। जीके की बुक में भी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो मैंने देखी भी नहीं है। आरू को छोड़ दिया हमने छुट्टा। ये है जगह मस्त। तो यहाँ पे आता है तार बगुला। तार बगुला ये कहाँ है? ये तार बगुला, हाँ, बगुला पेंगुइन था। पेंगुइन? हाँ। कचनार वृक्ष। अच्छा, ये पेड़ों के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये कचनार वृक्ष है, और वे सेमल है, बहुत सी चीज़ें हैं। पर बर्ड्स तो दिखाई नहीं दे रहे यार एक भी। बस आवाज़ आ रही है। तो ये बर्ड सेंचुरी कम लग रहा मुझे तो। चलोगे आप अंदर? चलो। एक और बर्ड। हाँ, अच्छा, ये है एक सफेद गिद्ध। देख रहे हो, सारी चीजें पढ़ते रहे ना, ठीक है? पढ़ रहे हैं ना। हाँ, सफेद गिद्ध। कौन सा? सफेद गिद्ध। सफेद गिद्ध, ठीक है। हम चलेंगे नीचे से। यार पता नहीं है ऊपर भी कि नीचे ही है।
तो ऊपर भी देख रहा हूँ। ये है गूलर। अच्छा ये है, ये पढ़ो, इधर आओ, ये देखो इधर वाला लाल सिर पोचार्ड, छोटा लाल सिल्ली, छोटा सिल्ली, कौआ है वो। पर सांप है। सांप है? नाम दिखा रहे हैं ना। अरे हाँ यार। पर चलो पापा। तो यहाँ पे है एक, ये अवाबिल, पर ये दिखेंगे कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है यार। अब पिंजरा है क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। सांप, सांपों के भी नाम है। ये देखो यहाँ पे, ये रहा मस्त बैठने वाला इस जगह है, यहीं पे सांप होंगे। ये रहा गिलहरी। गिलहरी के मजा आया। सांपों के नाम भी लिखते हैं। इंडियन रेड स्नेक। बेटू हम ऊपर से ही चलेंगे, नीचे से नहीं चलेंगे, ठीक है? ऊपर से नीचे से कुछ समझ नहीं आया। तो देखो ये नीलकंठी, ये वाली एक चिड़िया। ऊपर से नीचे से समझ नहीं आ रहा है मेरे को कुछ। भाई ये सांप है, ये देखो ये सारे सांप है, इसको देख के आरू की हो गई हवा टाइट। क्या करना है अब, आगे जाना है कि नहीं? क्यों वापस चलो। वापस नहीं जाना है अब वापस नहीं जाऊंगा। तू लाया तो जबरदस्ती था ना मुझे। रो रहा है? अरे रोते नहीं है, चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखेंगे। मैं तो समझ जाऊंगा ना कौन सा है। कौन सा है? मेरी बुक में है। ठीक है, बस कौए दिख रहे हैं यहाँ पर तो। चलो यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ। यहाँ से ऊपर तो ऊपर निकल भी पाएंगे। तो यहाँ दिख रहे हैं सिर्फ कौए, कौए दिख रहे हैं हमें, और कुछ दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पूछ के आते भाई। यार मुझे ये बताओ, ये देखो गिलहरी भी है, यहाँ कोई है कि नहीं है? कोई नहीं है यार, यहाँ तो खाली पड़ा है बस। यार एक चीज बताओ हमें, यहाँ ये मतलब बर्ड सेंचुरी है, इसमें पिंजरे में रखे हैं ये कि खुले? सर्दी में आते हैं, अभी कुछ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा ये सर्दियों में आते हैं केवल? बस बाहर से, और पानी वाले बस, सिर्फ पानी वाले आते हैं बस, और कोई हिस्सा भी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। टाइम वेस्ट करना है बस। हाँ बस आई घूमने। कपल वाला ज़्यादा है हिसाब, यहाँ पे वही लोग हैं यहाँ बैठने, थोड़ा टाइम पास करने अपना, बाकी और कुछ नहीं है। मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही है। हाँ, क्या? अंकल ने बोला बस सर्दियों में ही मिलेगी, अब आ तो बहुत सारी आ रही है। ये तो पक्षियों की आ रही है जो नॉर्मल पक्षी रहते हैं। मतलब क्या? जानते हो क्या हुआ है? क्या? तुम्हारा पोपट हो गया है, है? आरू का हो गया पोपट। बताओ जो होती है ना स्पैरो, हाँ उससे अलग भी आवाज आ रही है, बताओ। हाँ अलग भी आ रही तो छुपी हुई होंगी छोटी छोटी बर्ड्स। ये देखो ये लव पॉइंट ज्यादा लग रहा है मुझे तो, लवर पॉइंट्स सब जगह। फैमिली के लिए नहीं है यार ये, बच्चों के साथ में आओ नहीं। यहाँ तो वही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हिसाब है, हर जगह दिखाई दे रहे, जहाँ देखो वहीं पे। तो चलो यहाँ वेस्ट मतलब टाइम वेस्ट करना है और कुछ नहीं है, चले क्योंकि यहाँ कुछ है तो है नहीं, तो बस बेकार है यहाँ, फालतू में आए हम तो, इसकी वजह से आया था मैं तो। इसको कुछ दिखाई दे नहीं रहा, बर्ड सेंचुरी बेकार है। अब सर्दियों में ही आना है। सर्दियों में आओ सबसे बढ़िया, सर्दियों में थोड़े बहुत पक्षी तब भी दिखाई दे जाएंगे, अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पूरा जंगला खाली है। जंगला खाली। जंगला पापा, पर ये वाली बर्ड तो गर्मियों में रहने वाली होती है बस। व्हाइट आईज। हाँ
ये वाली। कोई भी बटन नहीं दिखाई दे रही है हमें। चले बेटू इसमें आधे से ज्यादा तो बताऊं। चल थक जाएंगे ठीक है। तो चलो ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। पोपट हो गया हमारा। बर्ड सेंचुरी करते हैं अलविदा और फिर कभी नहीं आएंगे। सर्दियों में भी नहीं आएंगे।